आने एक आने एक आने का तया चंद गाम मायने का हजारो कूट न बेरा सुबह तेरा कूच है डेरा सुबह तेरा कूच है। भाइयों राम राम। भाइयों कवियों का जिक्र हो रहा है, पहले तो मैं माशे जी के बारे में बता दूं। ये माशे जी बसंत लाल जी छारा गांव से हैं और दिल्ली रहते हैं और इनके दयाचंद जिया का सारा मसाला याद है। अब मैं बात करूंगा सभी कवियों की। हरियाणा में जितने भी कवि हुए हैं वो कवि को मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, एक बॉडी मानो। एक बॉडी में हर चीज अपना पार्ट अपना काम कर रहा है, कान अपना काम कर रहे हैं, आंख अपना काम कर रही है, हाथ अपना काम कर रहे हैं, पैर अपना काम कर रहे हैं। इस प्रकार से हमारे हरियाणा के कवियों में सभी कवि बॉडी का पार्ट थे और सभी ने समाज को 100% दिया, अपनी तरफ से कसर नहीं छोड़ी। लेकिन यहाँ दयाचंद जी अलग रहे हैं, उनकी कविताएं अलग रही हैं, वो समाज सुधारक के रूप में ज़्यादा पहचाने गए हैं। वो क्या हुआ, बाकी सभी कवियों ने शास्त्र गाए भाई और शास्त्रों की एक धारा बह रही थी, चाहे धनपत जी होए, नंदलाल जी होए, नेत्राम जी होए, लक्ष्मीचंद जी होए और मांगेराम जी होए, सभी ने शास्त्र गाए। क्यों जी, ठीक हूँ? ओके बिल्कुल। हाँ, यहाँ एक मेरी बात को समझने की कोशिश करना, कोई आदमी फिल्म देखता है, उस फिल्म में अपने आप को ढूंढता है कि मेरे दर्द की दवा इसमें सैकनी है। इसी प्रकार हरियाणवी सांगविदा में भी सांग के अंदर ये देखता है, मेरे मरज की दवाई सांग में आई कि नहीं आई, अपने अहंकार को अपने स्वाभिमान की पुष्टि करता है उसमें। कहीं ने कहीं हीरो बोलता है तो ऐसा महसूस होता है कि मैं भी हीरो हूँ, मैं भूमिका बना रहा हूँ भाई, बात को समझाने के लिए। तो यहाँ बाकी कवियों ने, मैं अधूरापन कहूँगा, गलत कोई नहीं कहता, गलत तो जो कोई कहे आपको हो गया, आप भी सही कहोगे, मैं कहूँगा मैं भी सही हूँ, अधूरापन। बाकी कवियों में अधूरापन क्या रहा है कि वेदों की धाराओं में रहा है और वेदों की धाराओं में वेदों की पुष्टि होती है। एक ही ग्रंथ ऐसा है जिसमें हर आदमी की कोई न कोई बात मिलेगी, गीता में। गीता जब पढ़ी जाती है या सुनी जाती है तो उसमें हर आदमी, सुनने वाला हर एक आदमी अपने आप को कहीं ना कहीं खड़ा पाओगा। गीता को छोड़कर किसी भी शास्त्र में सभी की पूर्ति नहीं होती, कई वर्ग छूट जाते हैं। इसी प्रकार से बाकी कवियों की कविताओं में कई वर्ग छूट गए। कई वर्ग कैसे छूट गए, विधवा औरत की प्रताड़ना, गरीब और शूद्र की प्रताड़ना कि वहां पुष्टि नहीं होती। जिन्होंने वेद गाए वो अपने आप को वहां अछूता मानता है, वहां खड़ा नहीं मानता, उस हीरो के रूप में खुद को फीलिंग नहीं ले सकता, इसलिए मैं उन्हें अधूरा कहता हूँ। यहाँ उसकी पूर्ति दयाचंद जी ने करी और दयाचंद जी ने इतना विस्तृत गा दिया, देशभक्ति उन्होंने गा दिया, गरीबों की प्रताड़ना उसने गा दी और राजनीति उन्होंने गा दी और समाज सेवा उन्होंने गा दी और वेद गा दिए। वेद वेद उन्हें जानकारी नहीं थी पर उसके आत्मा के वेद थे, आत्मा से बोले। हर आदमी वहाँ अपने आप को हीरो के रूप में खड़ा पाओगा, अपनी फीलिंग ले लेगा कि हाँ मासी जी ने सही कहा। बाकी कवियों की कविताएं जब सुनी जाती हैं तो ये फीलिंग आती है कि मैं पीछे छूट गया, मैं इसमें शामिल क्यों नहीं। तो भाई इसलिए दयाचंद जी को नमन है, सब कुछ गाया उन्होंने, सारी चीज गाई और हर समाज की, हर वर्ग की, औरत की प्रताड़ना की, विधवा की प्रताड़ना की, गरीब की प्रताड़ना की पुष्टि की है, वहाँ अपने आप को खड़ा पाता है।
इसलिए वो अलग कवि थे भाई, उनको मैं अलग मानता हूँ, कोई मान लो या ना मान लो, हमने किसी को मनाने की बात नहीं, हमने अपनी बात करनी। धन्यवाद। ओ कृष्ण दया चंद गणा भी हो कृष्ण ये रे दया चंद गणा वियोग करें से ये दुनिया यारे लोग करें से ये दुनिया यारे लोग करें घर कुल बेकार गणार कुल बेकार इसे जागरे मैं क्यों खुशालो रे अब दुखला दुनिया से दूर पड़ रे दुनिया से दूर ते मन गरे चले ते बढ़िया हरिहर डाटा की जय हो।